चलिए पहले बदनाम हो जाते हैं फिर फेमस हो जाएंगे। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ तो मतलब सामने से कोई नहीं कहता लेकिन पीछे ऐसा लगता है कि शायद बात होती है कि वीडियो बनाती हैं तो जॉब तो नहीं कर पाऊँगी। जो भी कुछ है वो यूट्यूब ही है मेरे पास, तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ अलग मिलेगा और आप लोगों को बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करना है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखना और देख के अच्छे से सुनना और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएँ कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरी देखना। तो कोई बताएगा ये क्या चीज़ है? वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगी, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ। ये हैं सिंगाड़े, जिनको सुखा लिया जाता है और अभी मैं यहाँ पे सिल बटने से इनको फोड़ रही हूँ। फोड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, जैसे ये देखिए आप। तो आगे वीडियो पूरा देखना, क्या करूँ जो भी कुछ है वही शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये छोटे छोटे सिंगाड़े सभी लोगों को पता होगा, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उसमें कुछ बताऊँ, लेकिन इनको मिगनी बोलते हैं शायद, मिगनी पता नहीं क्या कुछ ऐसे बोलते हैं। तो इनको देखो, तोड़ने के बाद ये एकदम प्योर वाइट है अंदर, और फिर इसको पीस लेंगे छोटे छोटे टुकड़े करके। फिर इसको बहुत सारे महीन महीन टुकड़े कर लिए हैं मैंने, फिर ये क्योंकि पीसने में आसानी होगी, वैसे ये मिक्सी में भी पीस लिए जाते हैं, बट मेरा अभी मिक्सी का जो पॉट है वो ठीक नहीं है। तो आज की वीडियो की शुरुआत दोपहर से हो रही है, खाना वगैरह मैंने सब बना लिया था और ये जो आप बर्तन देख रहे हो ये खाली करके मैंने रखे हैं, अभी इनको वॉश करूँगी। तो मैंने सोचा यहीं से वीडियो स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं देखो इसको कूट रही हूँ, तो अभी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो आगे देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है, ऐसे आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको कूट लिया है, और पता है इसको ऐसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुटर 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 होती है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो बताइए कमेंट में आओ। तो अब मेहनत पड़ेगी, तो इसको मतलब थोड़ा दम लगा के पीसना है, तो ये बहुत जल्दी पीस जाएगी और आपको मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वैसे मिक्सी में तो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट कुछ चीज़ें हैं ना सिल बटनी से पीस के ही उसका स्वाद आता है और बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा है कि नहीं कमेंट में बताना। बाकी यहाँ पे मैं इसको जल्दी से फिनिश करूँ और उसके बाद फिर मैं बर्तन को साफ़ करूँगी, फिर खाना भी खाना है, टाइम हो रहा था। गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई, पूरे पसीना बन गए। पिसने के बाद देखो कैसी लगती है, दिखा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पिस गई है, बिल्कुल महीन पीस दी है मैंने, और अभी इसको छान लेंगे आटे वाली छलनी से, तो इसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत मोटी मोटी होगी वो भी निकल जाएगी, फिर उसके बाद इसकी बर्फ़ी या हलवा बना सकते हैं। बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है बर्तन धुलना, और फटाफट मैंने सारे बर्तन इकट्ठे किए। ये नाश्ता सुबह बनाया था मैंने, हलवा बनाया था नाश्ते में रवे का, सूजी का, और उसके बाद फिर चाय पी थी, खाना वगैरह बना लिया। खाने में दाल और मैंने बनाई थी भिंडी की सब्जी, आगे है देखना आप लोग। और बस ये इतने सारे बर्तन है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट इनको हम लोग साफ़ करते हैं।
तो यहाँ पर फटाफट फटाफट मैंने सारे बर्तन को साफ़ कर लिया है और 12:30 बज गए थे तो भूख भी लगने लगी थी। और बाथरूम मुझे बिल्कुल साफ़ अच्छी लगती है, बिल्कुल भी इसमें झूठन ना हो और एकदम गंद मतलब चिपचिपी सी ना हो, बिल्कुल बहुत सारा पानी डाल के उसको अच्छे से साफ़ करके फिर वाइपर से सुखा देती हूँ, जिससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आए और बदबू नहीं आए मतलब बाथरूम में, और क्लीन रहे, अच्छा लगे। तो इसलिए मैंने पूरा साफ़ कर दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लाइट वाइट ऑफ़ करूँगी और खाना लगाऊँगी। तो खाने में आज बनाया था मैंने मूंग की दाल और भिंडी बनाई थी, प्याज वाली भरवा नहीं मतलब सादा भिंडी बनाई थी। तो मम्मी और नरन जी और अपने लिए लगा रही हूँ, हस्बैंड जी आज आए नहीं हैं, तो बस अभी हम लोग खाएंगे इसको। तो आप लोग भी ऐसे ही आई होप अभी इस समय काम करते होंगे सब लोग, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो खाना थोड़ा हल्का ही बनाते हैं कभी कभी, जैसा होता है अभी थोड़ा रूटीन सही नहीं है आप समझ सकते हो, तो उसी हिसाब से मतलब जो कुछ भी बना लो कुछ भी खा लो, कोई इतना वो नहीं कि आज मेरा मन है तो ये बनना है, आज मेरा मन है तो वो बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो चाहे कुछ भी बना लो, मम्मी खा लेती हैं बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से वो खाते हैं, तो हम सब लोग साथ में खाते हैं तो थोड़ा बहुत खा भी लेती हैं, 2 रोटी 1 रोटी, बाकी मतलब कहते हैं खाओ खाना तो खा लेती हैं फिर बड़ी मुश्किल से। तो ये रहा खाना, आप लोग भी खाइए आके, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो आगे मिलते हैं अभी फिर खाने के बाद। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तो खाना पीना सब कुछ खा लिया है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। तो आगे वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, दिन की शुरुआत से तो नहीं बनाया, दोपहर से बनाया था, तो अभी सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत ठीक है, नॉर्मल हो रहा है सब कुछ। तो वीडियो ऐसे ही छोटे छोटे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मैं, और आप लोग अपना पूरा सपोर्ट देना, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं सच में थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, मैं कैसे बना रही हूँ मुझे ही पता है। तो अभी टाइम 2:30 बज गया है, तो हस्बैंड जी भी 2 दिन से घर पे नहीं आ रहे हैं दोपहर में खाना खाने, क्योंकि इलेक्शन चालू हो गए तो ड्यूटी वगैरह लगती है और देखने पे रहते हैं सब कुछ सही है या नहीं, तो उसमें रहते हैं। और अभी घर का माहौल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ मतलब ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करते रहिएगा जैसे आगे किया है, और मुझे वीडियो तो बनानी है क्योंकि मेरे चैनल पे अभी इस समय मुझे मेहनत करनी चाहिए, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ गाइस मुझे पता है, क्योंकि कुछ भी अच्छा करो ना तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है कुछ लोगों को नहीं लगता है, तो कुछ भी आप कितना भी अच्छा काम करो तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं, तो वो थिंक मैं अपने साथ नेगेटिव वाली जो होती है वो हटा देती हूँ, पॉजिटिव सिर्फ सोचती हूँ कि मुझे आगे क्या करना, अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो ये जो लोग होते हैं ना ये साथ देने नहीं आते हैं, सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। तो मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ उससे, बस अभी थोड़ी सिचुएशन माहौल ऐसा है कि मैं सबको नहीं ले सकती हूँ वीडियो में, या किसी को वीडियो के लिए फोर्स नहीं कर सकती हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो भी बिल्कुल नॉर्मल सी अपनी ही बना के डाल रही हूँ, यहाँ तक कि हस्बैंड भी थोड़ा अभी इतना अच्छा फील कैसे बताऊँ मैं, नहीं वो वीडियो मतलब बना भी लेंगे नहीं भी ऐसा कुछ नहीं कि पहले वो मतलब मन उनका करता था, अपने मन से कहते थे कि हाँ चलो आज ये वाली वीडियो बनाएंगे ऐसे तुम करना ऐसे करना, तो अभी थोड़ा सा है तो ड्यूटी जाने लगेंगे तो थोड़ा अभी माइंड थोड़ा सा सही है, तो बाहर जाते हैं 4 लोगों से मिलते हैं तो अच्छा लगने लगता है, बाकी बहुत सारे लोग घर पे भी आते हैं, इनके मामा जी चाचा जी मतलब सारे रिलेटिव जितने भी रिलेशन के लोग हैं यहाँ रहते हैं दूर दूर रहते हैं सब लोग आए थे, और बाकी जो यहाँ रहते हैं वो आते रहते हैं डेली आते हैं, कुछ लोग अच्छे से मतलब मम्मी को समझाते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ अपने लोग भी हैं यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें मम्मी को अच्छा लगता है, सब लोग उनके साथ रहते हैं। तो अभी बस माहौल ऐसा है कि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूरे घर में ब्लॉगिंग करके नहीं दिखा सकती हूँ, बस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर वैसे ही अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे बाहर के लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे अपने मेरे साथ हैं, बस अभी थोड़ा सा टाइम नहीं अच्छा है इसलिए, तो आप लोग प्लीज़ पूरा सपोर्ट देते रहिएगा।
और बाकी मेरे घर में एक छोटा सा बाबू भी है, हो सकेगा तो उसकी वीडियो बनाऊंगी, आप लोग साथ शेयर करूंगी। ननद का बेटा है वो बहुत शैतान हो गया है, तो काफ़ी टाइम तक खेलता रहता है तो अच्छा लगता है थोड़ा। बाकी वीडियो बनाना ईजी है, बट वीडियो को पोस्ट करने के बाद जो कमेंट और जो एक्सप्रेशन लोगों के और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगी। तो जब भी कुछ अच्छा काम करते हैं, जब भी कुछ भी करते हैं, अच्छा करो या ख़राब, तो दोनों बातें होती हैं। कुछ लोगों को वो काम पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि फेमस होने के लिए पहले बदनाम होना पड़ता है, फिर फेमस होते हैं। तो ये चीज़ मैंने सोच ली है कि चलिए पहले बदनाम हो जाते हैं फिर फेमस हो जाएंगे। तो जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं तो अपने काम आते हैं, बाकी ये जो लोग होते हैं ये कभी काम नहीं आते हैं। तो यही चीज़ है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी कुछ मैंने आज बताया, और अभी मैं स्कूल ज्वाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मम्मी को अकेला मैं नहीं रहने दूँगी, मम्मी के साथ मुझे रहना है अभी, और वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए अभी, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी जॉब तो नहीं कर पाऊँगी, जो भी कुछ है वो यूट्यूब ही है मेरे पास। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, और स्कूल के काफ़ी लोग हैं जो मुझे बुला रहे हैं, तो सॉरी मैं नहीं भी ज्वाइन कर सकती हूँ स्कूल, सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। बस यही है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा तब देखेंगे तब क्या करना है। बाकी अभी तो यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं घर पे रह के, तो ये मेरा जॉब है अभी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो बनाना। जैसे और भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर में, वैसे इस काम की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे वीडियो बना के आप लोगों को देनी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, ये भी मेरी फैमिली है, तो आप लोगों से भी जुड़े रहना है और इन लोगों से भी जुड़े रहना है। आप लोगों से जुड़े रहने से मुझे अच्छा लगता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है। काफ़ी कुछ कहना है, समय के अकॉर्डिंग धीमे धीमे बताऊंगी, और बहुत अच्छी एक वीडियो शेयर करनी थी, हमेशा यही सोचा पूरी फैमिली जब साथ में होगी तब शेयर करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, और अब हमें लगता है हस्बैंड के साथ ही शेयर करनी पड़ेगी वो, क्योंकि अभी माहौल ऐसा नहीं है, और वो वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं उस वीडियो के बारे में। तो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो डालूंगी, अपलोड करूंगी। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपना अपना एक्सपीरियंस रखना कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, या मुझे ही लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ तो मतलब सामने से कोई नहीं कहता, लेकिन पीछे ऐसा लगता है कि शायद बात होती है कि वीडियो बनाती हैं, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वीडियो बनाने में। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बाबा टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं भी रखूँगी। बाय।